राधे राधे दोस्तों दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 10 इंच स्पीकर। वूफर स्पीकर बनाएंगे आज हम, तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है। और फटाफट से हम आपको इसका सामान दिखा देते हैं। तो ये इसकी कोयल है, 150 वाट की ये कोयल है 10 इंच वूफर के लिए। ये इसका स्पाइडर है, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी कैप है और ये इसका पेपर कोन है, ठीक है दोस्तों। तो हम फटाफट से स्पीकर को बनाना करते हैं शुरू। और इसकी पहले हम इसको सफाई कर लेते हैं इसकी अच्छे से, और इसको भी हम चेचिस को इस पे लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो पे आप बने रहिएगा और आपको सिखाते हैं स्पीकर बनाना। तो पहले इसकी हम सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इसकी सफाई हो चुकी है और ये हमने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और अब हम इसको लगाएंगे इसकी मैग्नेट पे। तो दोस्तों इसकी मैग्नेट हमने ही खोली थी, इससे दो फायदे हुए, एक तो इसका कचरा इसमें नहीं भरा और दूसरी बात ये कि हम इसका सामान लेने के लिए जब गए थे तो कोयल साइज़ के लिए हम मैग्नेट लेके गए थे, पूरा स्पीकर नहीं। ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत दूर हमें जाना पड़ता है इसका सामान लाने के लिए, तो इस वजह से हमने इसकी मैग्नेट खोल दी थी। थोड़ा सा यहाँ से और साफ कर देते हैं। तो हम इस पे सबसे पहले ये थोड़ी सिलोचन लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें लगाएंगे कोयल। तो कोयल लगाना हम आपको बताएंगे कोयल की सेटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों जैसे अब हमने इसे कोयल लगाई है, लगा रहे हैं इसमें, तो हमें क्या करना है कि ये कोयल हमें इतनी बाहर रखनी है, देख रहे हो आप, बिल्कुल इतनी बाहर जितनी के ये इस चेचिस का ये आ रहा है ना साइड, ठीक है, इसके बराबर की रखनी है हमें, इससे हल्की सी ऊंची। ये आप देख लीजिएगा, चारों तरफ से आपको इतनी बाहर रखनी है, ये देख रहे हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से सेटिंग आएगी, बहुत अच्छी सेटिंग आएगी, है ना। अगर जो इसको आप बराबर करके बिल्कुल इकसार ये आप इसको इतना बाहर रखो, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये ध्यान रहे ये वायर हमारे इधर की साइड ही होने चाहिए, और इसमें फिर हम लगा देंगे साइड में, हमें इसको यहीं पे ही टाइट कर लेना है। तो इसके लिए पेपर शीट आती है जो पंखे वाइंडिंग वगैरह वाले रखते हैं, वो हमारे पास थी तो बहुत सारी लेकिन अभी बहुत कम हो गई है। तो ये पेपर शीट आती है इसमें, ठीक है, तो ये लगा दीजिएगा आप इसमें, इससे इसको पूरा टाइट कर लेना है दोस्तों, इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों अभी हम इसको थोड़ा और टाइट कर लेते हैं और इधर से भी देखते हैं हमारा चारों तरफ से कितना कितना बाहर है। यहाँ पे भी निशान दिखता है तो यहाँ से एकदम एक सार दिखाई दे जाता है। इसको बिल्कुल अच्छे से सेटिंग कर लें। और दोस्तों हमारे पास अब
पेपर शीट ख़त्म हो गई है, हम ला नहीं पाए, लेकिन हम अब इसमें हम ये लगाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे, ये हमें चारों तरफ ही लगाने हैं कोयल में। कभी आप सोचो कि एक टाइट हो गई है, एक साइड ही लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये आपको चारों तरफ से ही इसमें लगानी है, ठीक है दोस्तों, चारों तरफ। एक दो हमारी इधर आ गई हैं और एक तरफ हमारी इधर है, तो फटाफट से हमारे पास सीट तो ख़त्म हो गई है, तो एक हमारे पास रेगमाल का टुकड़ा पड़ा था, ये वो लगा दिया। रेगमाल बिल्कुल ख़त्म है, ऐसा ना हो कि वैसा रेगमाल हो और आप उसको इसमें लगा दें, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। और हमने इसको घिस के और भी इसको ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। इसमें पेपर लगा लिया है बहुत अच्छे से, और अब आप देखिएगा बिल्कुल किस तरीके से हमने कितनी कोयल को हमने बाहर रखा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो कैमरे में हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, इससे 19-20 ही, 19-20 इससे कम ही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस पर लगाते हैं फटाफट से, स्पाइडर लगाएंगे। और स्पाइडर लगाने के लिए हम सुलोचन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मुझे बाज़ार से मतलब किसी का बंधा हुआ स्पीकर मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं बनवा के ले आया, समय नहीं है, तो बाद में मुझे वो उधेड़ना ही पड़ता है, बाद में वो मुझे उधेड़ना ही पड़ता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, बाकी बिल्कुल ठीक है। हमने सिलोचन इस पे लगा दी है, हमें कुछ इस पर ध्यान रखें दोस्तों, कोई कचरा ना जाए इसमें। और हम फटाफट से इसका स्पाइडर लगाते हैं, और इसका स्पाइडर है, इसका स्पाइडर का होल हमने थोड़ा चौड़ा कर लिया था, ठीक है दोस्तों, और भी थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। देखो दोस्तों हमने इससे इसको चौड़ा कर लिया, देसी फार्मूला है ये, क्योंकि ये हमें करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और इस झट झट हम इस पर भी लगा लेते हैं, दोस्तों इसको ऐसे इसमें डाल लेना है, और ये इसके वायर निकाल लेने हैं। और दोस्तों इसको इसमें डालने के बाद जो है स्पाइडर को थोड़ा घुमा लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से स्पाइडर को घुमा लेना। तो इसका थोड़ा सूखने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्पाइडर बिल्कुल अच्छे से बैठ गया, और इसको थोड़ा इंतज़ार करते हैं, हल्का सा सूखने देते हैं, फिर लगाते हैं हम इस पर पेपर। तो दोस्तों इतने हमारा थोड़ा सा सूख रहा है, इतने हम स्पाइडर पे लगाने के लिए, ये बोन टाइट, इतने हम इसको बना लेते हैं और फिर इसको लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइट होना चुका है, पहले हम थोड़ा ही बनाएंगे मॉनफिन। अब हम इसमें दूसरी वाली मिला देंगे,
और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे फटाफट से। और इसके लिए हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। और दोस्तों ये सूखने में काफ़ी टाइम लेती है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत समय लेती है सूखने में। इसको 10-12 घंटे चाहिए सूखने के लिए, और बढ़िया तरीके से तो मुझे लगता है 24 घंटे में ही ये सूखती है। तो दोस्तों हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो आप भी इसको इस तरीके से ही लगाइएगा। ₹100 में आ गया है, तो ये हमारे ₹100 में दो फर बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम फटाफट से पहले इसको लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने इस पर ये बोन टाइट लगा दी है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं इसका। और अब हम लगाते हैं इस पे पेपर कोन पे। और लगा के दोस्तों इसको ऐसे घुमा लेना है ताकि हमारा जहाँ गन नहीं लगी है ग्लू वहाँ लग जाए। तो दोस्तों हमारा ये कोन लग चुका है, देखिएगा, ठीक है, ये हमारा कोन लग चुका है। और अभी हम यहाँ पे बोन टाइट यहाँ पे और लगाएंगे, ठीक है, और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं इसको, और फिर इस पे बाद में लगाएंगे, बाद में इसके कनेक्शन करेंगे और इसकी कैप लगाएंगे, लेकिन काफ़ी समय सूखने के बाद। तो आपको दिखाएंगे, और कितना भी समय लगो, और इसकी आपको टेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो अभी तो ये सूखेगा नहीं, बहुत समय लगेगा, लेकिन इसकी आपको टेस्टिंग भी दिखाएंगे, और आप भी बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। कोई भी तो दोस्तों ये हमारी लग चुकी है। और दोस्तों हमने इसके अंदर भी साइड से, आपको दिख रहा हो, हमने इसके साइड पे भी बोन टाइट लगा दी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं, और फिर इसके कनेक्शन करेंगे, और इसकी कैप लगाएंगे, इसकी कैप लगाएंगे ये ऐसे, ठीक है दोस्तों, और फिर आपको इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे। और देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ऊपर बनाया है ये। तो हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे सूखने के बाद।
रिंग कर लिया। ठीक है तो दोस्तों हमने इसमें सोल्डरिंग कर लिया और अब हमें इसको बड़ी वाली कैंची दो गई। तो हमारा कट चुका है। इसको फटाफट से बस तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो चुके हैं इस पर और हमने इस पर लगा दिए बोनटाइट। तो अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको इसकी। तो दोस्तों हमारा ये सूख चुका है अब, ठीक है, ये हमारा सूख चुका है और अब इस पर लगाएंगे हम कैप और पीछे के करेंगे हम कनेक्शन इसके और आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देंगे। तो हम इसको ऐसे रख देते हैं और पहले इसकी ये लेंगे हम और हम यहाँ से निकालेंगे। दोस्तों ये पहले ही निकाल लेनी होती है लेकिन हम जो है ना हमारे ध्यान नहीं रहा, ये हमसे गलती हो गई, ये हमारा हमारे ध्यान नहीं रहा तो इसलिए अब हम बाद में निकाल रहे हैं इसको। तो ये अभी नहीं निकल पा रहा तो हम भी हम इसको ज़रा होल इसको साफ़ कर लें अच्छे से और फिर आपको बिल्कुल हम साफ़ कर लें। तो दोस्तों हमने इसके होल ये अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, ठीक है, ये होल हमने अच्छे से इसके साफ़ कर लिए हैं और अब इसमें से हम इसको निकालते हैं। आप भी कभी दोस्तों करो तो इसको पहले ही लगा लो। हम थोड़ा वीडियो के बनाने के उसमें थे तो मेरा ध्यान नहीं रह पाया ज़्यादा। ये देखिएगा इस तरीके से निकल गए हैं और देख लेना है आपको इसमें कितना लूज छोड़ना है, ठीक है, दोनों को बराबर ही छोड़ना है। और अब हम इस वाले में निकालते हैं इसको। अब हम इस पे कर देंगे सोल्डरिंग फटाफट से। तो ये हमारा वायर लग चुका है दोस्तों और अब हम इसको लगाएंगे थोड़ा लूज करके। बड़े अच्छे से देख लेना है इसको
आपस में शॉर्ट भी ना हो। तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं और हमारी लाइट हिल गई थी, तो इसको एक्स्ट्रा वायर को हम काट देंगे। इस एक्स्ट्रा वायर को हम काट देंगे। और अब ये हमारे लग चुके हैं, अब हम जोड़ लेते हैं इसमें अपने इस बोर्ड के 2050 IC बोर्ड के वायर जोड़ लेते हैं। ऐसे ही सब पड़ा है अभी, इसको हम बाद में सेट करेंगे। तो एक बार हम इसके प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, तो प्लस माइनस हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें वूफर के वायर जोड़ लेते हैं स्पीकर के। और दोस्तों ये हमारा जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला हमारा प्लस का वायर है, ये बोर्ड में ही उल्टा लगा हुआ है, हमने इसको हटाया नहीं है। और हमने इसके वायर लगा दिए और अब हम इसको रख देते हैं ऐसे। और एक मिनट अब हम इसकी आपको टेस्टिंग दिखाएंगे। तो यहाँ हमारे सब वायर ठीक हैं, रुक जाओ एक। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है रेडी और अब हम इस पर इसकी पीछे की कैप लगा लेते हैं। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं बात, हम इसकी अभी टेस्टिंग इसकी अभी तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इस टाइम दूसरा फ़ोन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम दिखाएंगे ज़रूर टेस्टिंग किसी और का मोबाइल लेके, या चिप में इसमें म्यूजिक NCS बेस लोड करेंगे और फिर आपको इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे तुरंत ही। और वीडियो तो एक साथ ही डलेगी तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अभी ये सब तो हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कैमरे पे, टेस्टिंग तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे क्योंकि इसको डाउनलोड करना पड़ेगा तो हर बार की बात रहेगी। तेरे को कर लो हाथ। हे भोले तुम जी, देखिएगा दोस्तों बिल्कुल बीचम में ही लगाए, बिल्कुल बीचम बीच लगाया हमारा पेपर। तो दोस्तों ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिएगा कौन लगा दिए, इसकी कौन सूख जाएगी और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी टेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो आप भी बड़े आराम से ऐसा स्पीकर बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही कम पैसों में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, 24 घंटे के अंदर इसकी अगली वीडियो डल जाएगी। राधे राधे।